नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट में अपने पिता के साथ बैठी ये वह रेप पीड़िता है, जिसका आरोप है कि 2011 में रोशन लाल वर्मा के बेटे मनोज वर्मा ने उसके साथ बलात्कार ही नहीं किया बल्कि उसे कई दिनों तक बंधक भी बनाकर रखा गया। 5 साल बीत जाने के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिला है। न्याय की गुहार के लिए वे लखनऊ भी गई, लेकिन वहां के अफसरों ने भी उसकी मदद नहीं की। ऐसे में वह कलेक्ट्रेट पर दोनों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन की मांग कर रही है। यदि उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह कलेक्ट्रेट में आत्महत्या कर लेगी। वहीं धरने पर बैठी पीड़िता को इंसाफ न मिलने से जिले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा के कार्यकर्ताओं ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। बाइट मामला बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा से जुड़ा है। सत्ता विधायक की वजह से पुलिस भी मामले को फूंक फूंक कर चल रही है। पुलिस का कहना है कि ये मामला बहुत पहले से चल रहा है, जिसके चलते उनके हाथ बंधे हुए हैं। ये बात कहकर वे पीड़िता को इंसाफ दिलाने के बजाय अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। शाहगंज में ये पीड़िता पिछले 5 सालों से भटक रही है, लेकिन सत्ता और हनक की वजह से इन पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे में पुलिस धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की वजह उल्टा उसे पाठ पढ़ा रही है। फिलहाल उसे कैसे इंसाफ मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। हमारी मांग है रोशन लाल को जेल भेजा जाए। अगर उन्हें जेल नहीं भेजा गया तो हम अपनी जान यहीं दे देंगे। जब तक मेरी जान रहेगी तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। किस तरह का केस था आपका? हमारा अपहरण बलात्कार का केस है। किसने अपहरण किया था आपका? अपहरण रोशन लाल वर्मा ने किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ पूरे केस के बाद? उनके लड़के ने मेरे साथ बलात्कार किया। इनकी गिरफ्तारी हो, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम अपनी जान दे देंगे यहीं पे। क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी, क्या लगता है आपको? क्योंकि वो सप्ताहिक विधायक है बीजेपी से। तो आप इस लड़ाई को कहां तक लड़ेंगी? जहां तक लड़ पाएंगे वहां तक लड़ेंगे। ये बसपा के विधायक थे 2011 में, ये 2011 का मुकदमा है और इसमें लोकल पुलिस ने जो है वो चार्जशीट लगा दी थी। उसके बाद ये विवेचना CVCID ट्रांसफर हो गई, तो अपने प्रभाव के दम पे जनरल धन के दम पे इसको डराते धमकाते हैं। पूरा परिवार जो है पीड़ित है और इसको आज 5 साल हो गए हैं, कोई भी जो है कार्रवाई नहीं हो रही है और ये शहीदों की धरती है, यहाँ शाहजहाँपुर के लोग ही इसे न्याय दिलाएंगे। अब क्या चाहते हैं आप इस केस में? अब इस केस में जो है अरेस्टिंग चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे साक्ष्य हैं, लोकल पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है, तो कोई साक्ष्य की और आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसमें ये लड़की जो है दोषियों की गिरफ्तारी चाहती है। क्या लगता है आपको क्यों ढील पड़ रही है गिरफ्तारी में? गिरफ्तारी की ढील इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो इसमें भाजपा विधायक हैं और शासन सत्ता उनका सहयोग कर रहे हैं। समर्थन तो समाजवादी पार्टी हमेशा पीड़ित के साथ होती है। ये पीड़ित महिला है, इनके साथ जो भी घटना हुई है रेप का मामला है और मौजूदा विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तिलक विधानसभा क्षेत्र, उनका उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है 2011 में। इसी तरह से CVCID में चला गया था, वहाँ लंबित है। 5 तारीख तक का समय महामहिम राज्यपाल महोदय से ये मिली थी पीड़ित महिला, उसके बाद 5 मई का समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद अभी भी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए ये महिला धरने पर इंसाफ के लिए बैठी है और समाजवादी पार्टी इनके साथ है। क्या लगता है आपको, क्या भाजपा अपने विधायक को बचाने का प्रयास कर रही है? वो अपना काम करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। हम लोग हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के हमेशा पीड़ित और गरीब के सहारा लोग हमेशा साथ हैं। इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। जी साहब, महिला बैठी आरोप लगा रही विधायक उनके बेटे पर, अब किस स्तर की कार्रवाई की जाएगी इस मामले में? इसमें 2011 में अभियोग पंजीकृत हुआ था, वर्तमान समय में CVCID में विवेचना की जा रही है और उनकी जो विवांसित होगी उसको अगर उनको प्रदान करेंगे तो हम उचित कार्रवाई करेंगे।